सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो, सुधार करो। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। मैं रमेश शर्मा, मेरा जन्म 1/7/1958 को जिला आगरा के तहसील भाग के अंतर्गत एक चंबल की तराई में गांव आता है मढ़ेपुरा, वहां हुआ। और उसके पश्चात पिताजी 1954 में दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली में आने के बाद पिताजी ने प्राइवेट सर्विस करी, और उस दौरान दिल्ली 6 के अंतर्गत उनका निवास स्थान था। और एक साल बाद जो है 1955 में जमुना पार के गांधीनगर जो क्षेत्र है, जिसे वर्तमान में हम एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट कहते हैं, वहाँ आकर उन्होंने अपना निवास स्थान एक किराए के कमरे में अपना पूरा जीवन यापन किया। मेरी शिक्षा DAV स्कूल गांधीनगर में हायर सेकेंडरी तक हुई। मुझे याद है जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के कार्यकाल के दौरान हम लोगों को एक स्कूल होता है मुर्दघाट, जिसे कहते हैं गीता कुमारी शमशान घाट, उसके पास एक स्कूल था जिसको मुर्दघाट कहते थे, वहाँ हमको जो है स्थानांतरित कर दिया। और हायर सेकेंडरी करने के उपरांत मैंने जो है कॉरपोरेट ग्रेजुएशन की, किंतु मैं बचपन में शरारती इतना था कि गली के जो भी हैं, क्या कि मेरे सहयोगी या मेरे समकक्ष जो भी बालक थे, आए दिन उनसे झगड़ा करना और उनकी शिकायतें जो है पिताजी या माताजी पे आती थी। तो पिताजी जब शिकायत आती थी तो आने के बाद जो है मेरी काफ़ी जो है बाल्यकाल से ही पिटाई, और मेरे शरीर में यहाँ भी चोटें आई हुई हैं, यहाँ भी चोटें हैं पिताजी की पिटाई से और झगड़े के कारण से। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम प्रकाश शर्मा जी और माताजी स्वर्गीय गीता रानी जी। माताजी का देवसान जो है 4 वर्ष पूर्व हुआ, पिताजी का देवसान अभी 1 वर्ष पूर्व हुआ। पिताजी मुझे याद है बचपन से, आप तो जमुना पे एक पुश्ता बन गया है, किंतु उस समय पुश्ता नहीं होता था, एक मट्टी पड़ी होती थी। और मुझे मतलब काफ़ी यादें हैं, और धुंधली नहीं कंफर्म याद हैं वो, कि पिताजी जमुना तैर के जाते थे और जमुना के साइड उस साइड में जो है तरबूज और खरबूज होते थे, वो लेके आते थे। मतलब पिताजी की कैपेबिलिटी इतनी थी कि पिताजी भी शारीरिक दक्षता थी, और जमुना में तैर के जाना और जमुना को तैर के आना, ये उनकी एक खूबी रही। मेरी माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती गीता रानी, हमारे पड़ोस के गाँव के ही रहने वाली थी, और उन्होंने विशेष रूप से पूरे परिवार को जो है विशेष स्नेह दिया। 3 बहनें और 2 भाई जो हैं, और जो मेरी श्रीमती है, शायद मतलब वो खुद इस बात को एहसास करती है कि भाई मतलब एक माँ नहीं, हमको 2 माँ मिली हुई हैं। माता जी ने, मैं बताया जिस प्रकार से पोजिशन आई है माता जी ने गाँव देहात से, जैसे पूरा भाई बड़ा परिवार था, और शहर में पिताजी के आने के बाद क्योंकि गाँव देहातों की स्थिति ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि भाई किसान होने के कारण से कहीं ना कहीं अकाल पड़ता है, कभी सूखा आ गया, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी ओलावृष्टि हो गई, तो गांव की फसल की समस्याएं रहती थी। तो परिवार के कोई ना कोई सदस्य जो है दिल्ली शहर में अपने जीवन यापन के लिए आते रहे। तो आने के से उपरांत जो है पहले पिताजी के पास, क्योंकि पिताजी हमारे किसी के चाचा लगते थे, किसी के ताऊ लगते थे, और माता जी ने उनके लिए पूरी व्यवस्थाएँ, रोटी बनाना, उनके कपड़े वपड़े धोना, सारी व्यवस्थाएँ करती रहीं। 5 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, और मेरे बाद जो छोटी बहन है उसका शकुंतला देवी, जो कि कानपुर में इसकी शादी हुई है श्री नारायण दुबे जी, और दूसरी जो बहन है मेरी रजनी पांडे, वो मैनपुरी में अपने वकील हैं आशुतोष पांडे जी, वहाँ शादी हुई है। और जो तीसरी जो बहन है उसका नाम अंजू त्रिपाठी, और उनके जो क्या नाम बहनोई जो छोटे हैं मेरे, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी, ये 3 बहनें हैं। और छोटा मेरा जो भाई है उसका नाम दिनेश शर्मा है, और उसकी शादी जो चंबल के किनारे गांव है पिनहाट, बिल्कुल प्रॉपर चंबल के किनारे ही है, वहाँ से उसकी शादी हुई। और उसके परिवार में जो हमारा ज्वाइंट ही परिवार है, ये तो मकान बनने के कारण से हम लोग जो है इधर उधर शिफ्ट हैं, अदरवाइज जो ज्वाइंट परिवार ही हम लोगों का एक उदाहरण था कि 4 पीढ़ियाँ और 1 किचन। जिस हम मकान में रहते थे किराए पर, तो उस मकान में रसोई थी एक, और मुझे याद है कि जब हम लोग रसोई में माताजी या ये श्रीमती जी खाना बनाती थी शादी के बाद भी, तो हम लोग उस सारे रसोई में 5-6 जब बैठ के खाना खाते थे,
वो स्नेह आज तक हम लोग ढूंढते हैं कि भाई वो स्नेह कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। शायद उम्मीद ही है कि वो स्त्री लाने के लिए मतलब ईश्वर से फिर प्रार्थना करनी पड़ेगी, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मेरी शादी 10 मार्च 1978 दिल्ली शहर में कूचा महाजनी नाम का एक स्थान है वहाँ से हुई, और सविता शर्मा मेरी श्रीमती का नाम है। मेरे ससुर साहब वो भी पहलवानी और क्या नाम तैराक, बहुत अच्छे तैराक थे। ये जो है वजीराबाद का पुल, वहाँ से छलांग मारते थे और पुराने पुल पे आके वो तैर के ही निकलते थे। तो मेरी ससुराल में जो है 5 बहनें हैं हमारी श्रीमती और एक भाई। एक इतिहास भी लिखा हुआ है और ये सच्चाई भी है कि मनुष्य की सफलता में नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई शायद इनके भाग्य से ही जो है मेरा भाग्य बदला, नहीं तो एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और आज ईश्वर की सब कृपा है, तो कारण यही हो सकता है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया है जिसका कि 80 का जन्म है, जिसका नाम रश्मि है, और बेटे का नाम नितिन, और दोनों की शादी हो गई है। दादा भी बना हूँ, नाना भी बना हुआ हूँ। लक्ष्य शर्मा ग्रैंडसन है और आशवी जो है मेरी ग्रैंड डॉटर है, और बेटी के एक बड़ी बेटी है और उसके एक बेटा है। 60 के बाद एक्चुअली मनुष्य का स्वभाव खुद बच्चों जैसा हो जाता है, कि तो मेरी जो कहना चाहिए एक जीवन शैली है, घर में जितना समय देता हूँ बच्चों को बुला के, अपने खुद बुलाता हूँ भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कमरे में बैठे हो और हम लोग बाहर बैठे हैं, इसलिए साथ आके यहाँ बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, किंतु बच्चों के साथ बैठने के बाद ऊर्जा मिलती है। माय नेम इज लक्ष्य शर्मा, आई एम ग्रैंडसन ऑफ रमेश शर्मा। मैं उनको बड़े पापा बोलता हूँ, मतलब दादू। मैं अपने और बड़ापा के बॉन्डिंग के बारे में क्या बताऊँ। मेरी और उनकी बॉन्डिंग तो बिल्कुल मतलब फ्रेंड नेचर और फ्रेंड टाइप जैसी है, और जैसे मतलब कोई भी चीज़ होती है तो मैं उनसे शेयर करता हूँ, और जैसे कभी भी एग्ज़ाम पेपर मिलते हैं तो हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम कटिंग करूँ, पर बड़ापा बोलते हैं कि जैसे एग्ज़ाम पेपर मिले तो मेरे पास लेके आ, तो उनके पास लेके जाता हूँ तो वो कहते हैं इधर क्यों काट दे तूने, इधर कटिंग मत कर, कटिंग मत कर, टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देंगी, और साफ़ सुथरा लिखा कर, और ये सब। और मेरी आदत है टोस पे चलने की मैं स्टार्टिंग से, तो फिर मेरे को बड़ापा करेक्ट करते हैं कि मतलब टोस पे नहीं, पूरा पंजा रख के चला कर, और हैबिट डालते हैं जैसे कभी भी मैं चलता हूँ लक्ष्य नहीं ऐसे नहीं पूरे पैर पे चल, ऐसे गलत आदत होती है, तो मतलब टोकते हैं थोड़ा कि जिससे मैं समझ जाऊँ। मेरा नाम आशवी है, मेरे बड़े पापा का नाम रमेश शर्मा है, मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। मैं अपने बड़े पापा के साथ मस्ती करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। बड़े पापा के आने का हम वेट करते हैं, जब वो आते हैं हमें चॉकलेट्स देते हैं, हम मज़े से खाते हैं और साथ में बैठ के डिनर करते हैं। मैं शिवानी शर्मा, रमेश शर्मा जी की मैं डॉटर इन लॉ हूँ। पापा हमेशा हमेशा सपोर्टिव रहे हैं हर चीज़ में, घर में किसी भी मेंबर के साथ उनका सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहता है, सबको, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत प्यार करते हैं, किसी के साथ वो कभी भेदभाव नहीं है, जैसे अंदर हैं वैसे ही वो बाहर हैं। उनको वो उनको जिसमें खुशी मिलती है वो मेरे को रहता है करो काम, वो खुश रहते हैं बाहर निकल के समाज सेवा करके, उनको इसी चीज़ का शौक़ है और वो बहुत खुश रहते हैं। पहले वो अपना बिजनेस में खुश रहते थे और अब समाज में खुश रहते हैं सबके साथ मिलके, तो हमारे को उनकी खुशी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मेरा गारमेंट्स का व्यापार है, और गारमेंट्स के व्यापार से पहले मैंने लगभग 5 साल प्राइवेट सर्विस की। 1983 में 28 फरवरी 1983 में मैंने एक छोटी सी दुकान पर रेडीमेड का काम स्टार्ट किया था, किंतु उसके पीछे भी जहां मैंने सर्विस करी उस परिवार का एक सरीन परिवार है जो कि गांधीनगर थाने के पीछे रहता है, उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे पुश करने में, सपोर्ट करने में, कि जहां मैंने प्राइवेट सर्विस की तो मैं उनके पास पार्ट टाइम जाता था, शाम को लगभग 5:30 बजे जाता था और रात को 9:30-10 बजे के आसपास
वापसी आता था, क्योंकि सवेरे दुकान तो लगभग 9:30 बजे खुलनी होती थी, तो नींद पूरी हो जाती थी। किंतु जब 6 महीने के बाद मैंने देखा कि भाई मेरी जो द्वारा जो गारमेंट्स का व्यापार किया जा रहा है वो स्टैब्लिश हो रहा है, तो मैं उनके हाथ जोड़ के और पैर छू के आया कि भाई साहब मुझे आपका आशीर्वाद बहुत मिला और आपने जो मुझे प्रेरणा दी, अब आज मेरी अच्छी व्यवस्था है, अब मैं कल से आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा। किंतु स्ट्रगल करते समय मैं ये बताऊँ, मैंने छोटा भाई जो कि बहुत कम उम्र, मतलब मेरे से लगभग 14 वर्ष छोटा है और 83 में मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं, 25-26 साल की थी, तो 25 साल और 14 11 12 साल का ही था। तो जैसे दिल्ली से बाहर व्यापारियों को माल बेचते थे, माल बेचने के बाद जो है पेमेंट लेने जाना पड़ता था, तो मुझे दिल्ली के बाहर ग्वालियर हुआ, झांसी हुई, सागर हुआ, ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ता था, तो मजबूर वर्ष जो है उसको बैठा के जाना पड़ता था। तो स्ट्रगल ये था कि भाई उस समय सिर्फ ये पोजीशन थी कि हमारे जो श्रीमती ने कई बार कहा कि भाई देखिए फलाने जो भाई पड़ोस बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं जैसे घूमने जाते थे, तो मेरा एक ही शब्द होता था भाई अगर परिवार की खुशहाली चाहिए या आने वाली पीढ़ियों को हमने कुछ देना है तो एक पीढ़ी की कुर्बानी अति आवश्यक है। मेरा जो सक्सेस होने का मंत्र सिर्फ निरंतरता थी, काम में आलस्य नहीं करना, व्यापार में अगर काम करना है तो काम करना है। और मुझे याद है जब मैं फैक्ट्री जब हम लोगों ने लगाई थी तो हम दोनों भाई मतलब खुद अपने हाथ से काम करते थे, मैंने खुद अपने हाथ से कटिंग जो मास्टर कटिंग करते थे गारमेंट्स की उनको खुद पैटर्न बना के दिए और कटिंग करके बताई कि मास्टर ये पैटर्न ऐसे नहीं ऐसे फंसाइए और ऐसे कटिंग कीजिए। और यहाँ तक स्थिति आई कि हमने अपने हाथों से धागे काटे हैं, बटन ठोके हैं, दोनों भाइयों ने अपने सामान्य वेश में जैसे तहमत वगैरह लुंगी वगैरह पहन के अपने बनियान से मेहनत करते रहे। भगवान पर 100% विश्वास है, मैंने बताया ना कि भाई मेरी जब उम्र 17 साल की थी तो माताजी हमारी जो है मरगढ़ वाले बाबा हनुमान मंदिर जाना प्रारंभ हुई, शायद 1 या 2 बार गई होगी, तो मैंने अचानक ही पूछा कि माताजी को हम लोग जीजी कहते थे, जीजी जैसे बड़ी बहन को, क्योंकि उसका कारण भी ये था कि भाई हम साल में लगभग ज़्यादा समय जो है ननियाल में गुजरा, तो ननियाल में जो हमारे मामा वगैरह थे वो सब जीजी बोलते थे उसी नाम, तो मैंने कहा जीजी अब आप कहाँ जाती हो, मंदिर जाती हूँ, मेरा अच्छा ऐसा अब मैं जाया करूँगा। तो 17 साल की उम्र से जब मंदिर जाना प्रारंभ हुआ और हनुमान जी की मुझे अपार जो है कहना चाहिए एक आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण से जो है मैं यहाँ तक पहुँच पाया। सामाजिक क्षेत्र में तो लगभग मैं जब स्कूल लाइफ में था 1972 से ये जाना जाता था शाखा में, अभी कुछ साल पहले की बात है, रात को लगभग 2 बजे मेरे सामने एक 63 नंबर में राजस्थान का एक परिवार रहता था, उसने 2 बजे मुझे बेल बजाई और बेल बजाने के बाद मैं दरवाज़ा खोल के चला गया, घर वालों को भी नहीं बताया, तो बल्कि घर वालों जब मैं वापसी आया तो घर वालों ने कहा भी कहाँ गए थे आप, बता के तो जाते। मैं कहा जी बता के जाने से पहले ये था कि मुझे उसके साथ जाके उसका काम कराना था। पर ऐसी स्थिति कई बार आती है, हम लोग जो है रात को 1 बजे 2 बजे कोई फ़ोन आ जाता है, मेरा फ़ोन जो है इसी कारण से जो है 24 घंटे ऑन होता है, अगर गलती से हमारी श्रीमती जो है वाइब्रेशन में कर दें या ऑफ़ कर दें तो मैं इनसे कहता हूँ नहीं मेरा फ़ोन ऑफ मत करना ना वाइब्रेशन करना, पता नहीं कौन असहाय व्यक्ति जो है सहायता के लिए मुझे फ़ोन कर रहा हो और उसका मन में कितना कष्ट होगा कि भाई वो अपेक्षा तो हमसे कर रहा है सहायता की और हम लोग उसके साथ नहीं खड़े हो पा रहे। तो मोदी जी कभी भी निर्णय लेते समय चाहे नोटबंदी का विषय आया हो, चाहे धारा 370 का हो, या 3 तलाक का विषय हो, या आर्टिकल 35A का हो, तो मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, उन्होंने कहा भी निर्णय अगर मुझे समाज हित में लेना है तो उन्होंने वो निर्णय लिया और उसके कारण से आज देखिए समाज में राष्ट्र में आज मोदी जी भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी मोदी जी की पहचान है। जिस राष्ट्र का समाज संगठित होता है वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकता है और जिस राष्ट्र का समाज संगठित नहीं होता वह कभी भी अपनी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी का विजन ये है कि मुझे समाज को संगठित करना है और संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण का एक आधार है। मैं माय लाइफ माय स्टोरी के थ्रू उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी लाइफ में समाज के प्रति वो उसमें हमेशा आगे बढ़ें और जो भी वो चाहते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए वो हमेशा सक्सेस हो जाएं उसमें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें जिससे वो लोगों की आगे और भी मदद कर सकें। मैं दादू को मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बॉन्डिंग अभी है वैसी रहे और हम मतलब ऐसे फ्रेंड्स बन के रहे और वो भी अपना थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखे
और मतलब हमको बहुत प्यार करते रहे। माई लाइफ माई स्टोरी के माध्यम से मैं सिर्फ यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपको देखिए शिक्षित तो रहना ही रहना है, किंतु शिक्षित रहने के साथ साथ संस्कारित भी रहना है। आज समाज में जो अनेकानेक ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, हमने उससे बचते हुए अपना जीवन यापन करना है और अपने परिवार की इज्जत तभी रह पाएगी जब हमारा जो है विजन जो है एक समाज हित में और राष्ट्र हित में, प्लस जो आज जो दिशाहीन जैसे अनेकानेक ऐसी स्थिति परिस्थिति आ रही है, यूथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपराधिक गतिविधियों में चला जा रहा है, तो वो उससे बचने के लिए भी यूथ को सिर्फ यही सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मुझे संघर्ष भी करना पड़ा अपने जीवन यापन के लिए तो संघर्ष जरूर करूँगा, किंतु ऐसा संघर्ष नहीं करूँगा जो किसी ना किसी कहना चाहिए आर्थिक अपराध के लिए या सामाजिक अपराध की दिशा में मुझे धकेले, और उससे समझौता नहीं होना चाहिए।